साथियों, बिहार में यहां के नौजवानों, यहां की महिलाओं, यहां के उद्यमियों, किसानों के पास अथाह सामर्थ्य है। हर जिले, हर गांव में कुछ न कुछ खास है, हर जिला स्पेशल है। अब जैसे मुजफ्फरपुर और इस क्षेत्र में ही लीची है, आम है, अनेक दूसरे फल और कृषि उपज है, चूड़ियां हैं, दूसरे हस्तशिल्प है। अब जब बिहार में तेज विकास का वातावरण बना है तो इन स्थानीय उत्पादों की ताकत कई गुना बढ़ गई है। अब दुनिया के बाजारों में इनके लिए नई संभावनाएं बन रही है। एनडीए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो निवेश कर रही है, गांवों के पास बेहतर सुविधाएं विकसित करने पर जोर दे रही है, उसका लाभ बिहार के लोगों को भी मिलने वाला है। इसके लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड बनाया गया है। लेकिन भाइयों और बहनों, याद रखिए, वो दल जिन्होंने बिहार को अराजकता दी, कुशासन दिया, वो फिर से मौका खोज रहे हैं। जिन्होंने बिहार के नौजवानों को गरीबी और पलायन दिया, सिर्फ अपने परिवार को हजारों करोड़ का मालिक बना दिया, वो फिर मौके की तलाश में है, मौका चाहते हैं। वो दल जो बिहार के उद्योगों को बंद करने के लिए बदनाम है, जिनसे निवेशक कोसों दूर भागते हैं, नाम सुनते ही भाग जाते हैं, वो लोग बिहार के लोगों को विकास के वायदे कर रहे हैं। सरकारी नौकरी तो छोड़िए, इन लोगों के आने का मतलब है नौकरी देने वाली प्राइवेट कंपनियां भी यहां से 9-2-11 हो जाएगी। और अपना काम, अपना कारोबार करने वालों के साथ इन लोगों को तो उनका जो बर्ताव रहा है उसे तो बिहार के लोग कभी नहीं भूल सकते। रंगदारी दी तब बचोगे, नहीं तो किडनैपिंग इंडस्ट्री का कॉपीराइट तो उन लोगों के पास ही है, इसलिए इनसे सावधान रहना है। याद रखिए, इन दलों की राजनीति झूठ, फरेब और भ्रम पर आधारित है। इन लोगों के पास बिहार के विकास का न ही कोई रोडमैप है और न ही कोई अनुभव।